समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व विधायक मोहम्मद आजम खान के परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। सपा नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी चली गई। विधानसभा सचिवालय के तरफ से अधिसूचना जारी कर बताया गया है स्वार टांडा सीट रिक्त कर दी गई। उनकी स्वार टांडा सीट पर फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। अब चुनाव आयोग इस सीट पर दोबारा चुनाव कराएगा। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ ये कार्रवाई 15 साल पहले मुरादाबाद छजलैट में सड़क जाम करने को लेकर हुई सजा के बाद की गई। छजलैट थाने में 29 जनवरी 2008 को पुलिस ने आजम की कार को चेकिंग के लिए रोका था। इससे नाराज होकर आजम खान उस वक्त सड़क पर धरना देने बैठ गए थे। आजम के समर्थन में कई जिलों के सपा नेता मौके पर पहुंचे थे और धरने में शामिल हुए थे। इसी मामले में बीते सोमवार को सुनवाई करते हुए मुरादाबाद की MPML कोर्ट आजम पिता पुत्र को 2 साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल्ला को हुई सजा के बाद रामपुर से BJP विधायक आकाश सक्सेना ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मांग की थी कि मुरादाबाद MPML कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए इसमें जो आगे की कार्यवाही है उसको अपनाते हुए जो विधानसभा की सीट उसको रिक्त घोषित किया जाए। सर आजम खान को सजा हुई है मुरादाबाद की MPML कोर्ट से, क्या ये तो होना ही था। ये तो और भी आगे जितने जो मामले हैं सारे गंभीर, हमेशा सत्य की ही जीत होती आई है और होती रहेगी। अब्दुल्ला आजम खान को भी सजा हुई तो क्या विधायक की रद्द? बिल्कुल, हमने आज प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखा है जिसमें जो भी जो प्रक्रिया है आपको बता दें, इससे पहले भी अब्दुल्ला आजम की विधायकी छिन चुकी फर्जी प्रमाण पत्र वाले मामले में भी उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई थी और उसी वजह से उनकी विधायकी भी रद्द करनी पड़ी थी। अब एक बार फिर 15 साल पुराने मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी पाया गया है और मुरादाबाद की अदालत उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसी वजह से विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी और उनकी स्वार टांडा सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं।